गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में चीची गार्लिक चिकन फिंगर बना रही हूँ। इसके लिए मैं देखिए, ये घर में मैं अपने से कीमा बनाई हूँ, बोनलेस पीस लाके उसे मैं मिक्सी में पीस दी हूँ। और इसमें मैं अब नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये मैं कुछ ऑरेगेनो है, हर्ब्स है, सब मिक्स है इसमें, और ये ढेर सारा इसमें चीज है। और थोड़ी सी मैं इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाली। अब मैं इसे कितना अच्छा ये बाइंड होगा और कितनी अच्छी ये बनेगी फ्रेंड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत जल्दी, अगर आपको लगे कि गीला हो रहा है थोड़ा सा भी, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल दें। अब मैं इसको पहले इसे गोल गोल कर लेती हूँ और इसे मैं फिंगर का शेप दे लेती हूँ। अब मैं इसे पहले अंडे में इसे कोट कर दी, नेक्स्ट मैं इसे मैदा में अच्छे से कोटिंग करना है इसे। और अब मैं इसे अपने ब्रेड क्रम्स में से अपने कढ़ाई में, आपका तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैं बना रही हूँ। फिर से मैं एक दूसरा दिखा रही हूँ। पहले मैं इसे ठंडा में कोट कर दी, नेक्स्ट मैं इसे एक हाथ से राइट हैंड से इसे पकड़ू और फिर नेक्स्ट मैं इसमें मैदे में कोट करके थोड़ी थोड़ी में, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा जो मैदा है उसे मैं इससे फिर से मैं इसे अंडे में स्पून से ऐसे करके फिर मैं इसे अपने मैदे में कोटिंग कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं इसे अपने क्रम्स में अच्छे से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें थोड़ा मेरा लग रहा है ये जैसे इसमें मैं गार्लिक और जिंजर और ये गार्लिक जिंजर और काली मिर्च ये डालना मैं भूल गई थी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और डाल दी मैं इसमें। अब मैं इसके भी बॉल्स बना दे रही हूँ और फिर मैं इसे फर्स्ट अंडे में, नेक्स्ट मैं इसे मैदे में डाल के फिर ब्रेड क्रम्स में मैं इसे दबा दबा के
में लगा दी और इसे और एक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे मैं ये मेरे पास है, इसे मैं अपने हैमर से पीट दी हूँ और इसमें मैं एक क्यूब चीज डाल दी हूँ, मोज़रेला चीज, थोड़ी सी मैं इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दी हूँ, थोड़ी सी हर्ब्स और इसे भी मैं, ये भी बहुत जूसी होता है फिर, इसे भी मैं डाल के और इसे मैं ऐसे ही इसे डाल दी हूँ। देखिए हमारा फिंगर, मैं इसे लो टू मीडियम पे रखी हुई हूँ, देखिए कितना अच्छा बाइंड हुआ है ये। मस्त लग रहा है ये। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और अपने नेक्स्ट बैच को मैं इसे डाल देती हूँ, इसे भी मैं इसे कोट करके बहुत यम्मी स्टार्टर होता है। अब मैं आपको इसके लिए एक डिश बना रही हूँ, देखिए इसके लिए मैं थोड़ी सी दही और थोड़ी सी चीज को मिक्स कर दी हूँ, सारे को मैं मिक्स कर दी, थोड़ी सी मैं इसमें भी चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ, इसी के साथ मैं सर्व करूँगी अपने बहुत इजी स्टार्टर है और बहुत जल्द बनता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर दें और बताएं कि ये कैसी बनी है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और बेल आइकन को भी धीरे से दबा दें, इसमें पैसा नहीं लगता है। फिर मैं चिकन के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो स्टार्टर के, चिकन स्टार्टर के मैं वीडियो लेके आपके सामने आऊँगी।
देखिए हमारा सारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे सर्व करूंगी अपने डीप के साथ। नेक्स्ट मैं इसे भी डाल देती हूँ। मैं धीरे धीरे ये भी पकता रहेगा और मैं इसे देखिए फ्रेंड हमारा चिकन चीज़ गार्लिक फिंगर बनके रेडी टू ईट है। आप भी अपने किचन में ज़रूर इसे बनाएं और बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कमेंट ज़रूर दें। और इस ये डिप मैं बनाई हूँ दही चीज़ और चिली फ्लैक्स थोड़ी सी सॉल्ट डाल के, इसके साथ मैं इसे सर्व करूँगी। Thank you.